इतनी और इतना मेहनत करने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए। राइट नाउ इट्स 5 AM इन द मॉर्निंग और हम लोग निकल पड़े गुरुदोंगमार लेक के लिए। बाहर जो है माइनस में टेम्परेचर चल रहा है, सबका हालत जो है। सो स्टार्ट किया जाए आज का दिन का ट्रिप। सो जय माता दी, जय माता दी। सुबह सुबह सूरज की किरणें जब स्नो कैप्ड माउंटेन्स पर पड़ती है, उस टाइम सिर्फ एक ही चीज़ मन में चलता है, दुनिया कितनी खूबसूरत है यार, काश ये सफ़र कभी ख़त्म ही ना हो, बस चलता ही रहे। जितना भी देखो उस जगह एंड व्यू को मन ही नहीं पड़ता। सो देखते ही देखते सनराइज हो गया था एंड जितना तेज़ी से हम लोग अल्टीट्यूड गेन कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा डिजीनेस एंड नोसिया भी हो रहा था सबको, लेग्स वर गेटिंग नम, बट थैंक्स टू कैम्फर हुच हेल्प्ड अस अ लॉट ड्यूरिंग द जर्नी। वी हाईली रिकमेंड टू कीप कैम्फर विथ यू एंड कीप ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर। रोड्स कुछ कुछ जगह बहुत ही ख़राब था एंड कुछ कुछ जगह बहुत ही अच्छा, बट देन आगे का सफ़र कुछ ऐसा था। हाँ, सो अभी जो हम लोग रुके हैं थंगू वैली, करेंगे अपना ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे गुरुदोंगमार लेक डायरेक्ट। यहाँ पे जितना भी रेस्ट रूम जाना है, पानी पीना है, जो करना है, खाना पीना करना है, यहीं पे करना है, करके निकलना है। एंड लुक एट द व्यू बिहाइंड, वाह। क्या हो गया? कुछ नहीं, इतना ठंड लग रहा है, मस्त लग रहा है एकदम। व्यू ऐसा लग रहा है कि यहीं पे टेंट लगा के आज सिकुर के एकदम जाने का मन नहीं कर रहा है। सर चंदा लगे पैराडाइज। ग्लव्स खोला था, हाथ काला हो गया मेरा, फ्रीजिंग कोल्ड, -5 डिग्री पे होगा, बहुत हद से ज़्यादा कोल्ड है। क्या करें, वीडियो भी बनाना है आप लोग के लिए, ग्लव्स पहन के नहीं बना पाएंगे। लाइक कर देना, बहुत ज़रूरी है, मोटिवेशन मिलता है। और थोड़ा चलने में जो है सांस फूल रही है, बट लुक एट दिस स्नो कैप्ड माउंटेन्स, वाओ। एंड लुक एट दिस डॉग, नहीं क्या है, पोहा। पोहा ब्रेकफास्ट में हो रहा है, पोहा। पोहा और मैगी नहीं खाएंगे, मैगी खाएंगे तो हालत हो जाएगा। ट्रेन का पानी जो है कंप्लीट फ्रीज हो चुका है, फ्रीजिंग कोल्ड यार।
सो आफ्टर अ टायरिंग जर्नी और इतना मेहनत करने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए गुरु दोंगमा लेक, जिसका सपना मैं कब से देख रहा था। वाओ, लुक एट दिस माउंटेन्स यार, क्या बताओ, कब से यहाँ पे आने का इतना मन था। पूरा लेक फ्रोजन है और आज का वेदर भी बहुत ज़्यादा क्लियर है, सनी है, थोड़ा ब्लू दिख रहा होगा आपको, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बात नहीं कर पा रहा हूँ, 18,000 फीट, समझ ही रहे हो कि कितना ज़्यादा ऑक्सीजन कम है अभी। धीरे धीरे चलना है बस। The feeling of seeing that view in real eyes and living that moment can't be expressed. It can only be experienced. Seriously. ये जो देख रहे हो आप ग्लेशियर, यहाँ से ये पिघल कर ये लेक में आता है पूरा। Wow. How are you feeling? I feel like I'm gaining energy. Getting in. As you can see, the lake is completely frozen. पूरा जम गया है। इस जगह का ना एक चीज़ है, बहुत ही हॉली लेक है यहाँ पर। लोग बोलते हैं यहाँ से पानी लेकर जाते हैं, पूजा वगैरह होता है यहाँ पर, मंदिर भी है यहाँ पे, देख सकते हो पीछे जैसे टेम्पल। और ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो है लेक पूरा फ्रीज नहीं होता, एक जगह जो है हमेशा रहेगा, वो फ्रीज नहीं होगा। आई थिंक ये वो जगह होगा, एज यू कैन सी ये जगह फ्रीज नहीं है, बाकी पूरा फ्रीज्ड है। अल्टीमेट एक्सपीरियंस भाई, क्या बताएं, एक नंबर। क्या संगू जाना है नीचे? नीचे जाना है तो बोलो। तुम जा पाओगे? आई वॉन्ट टू गो बट आई कैन नॉट टेक रिस्क। I am thinking whether should I go or not. आने में फट जाएगा, पॉपकॉर्न ले लिया हाथ में। रुक जाओ। हवा जो है इतना पतला है, इतना थिन है। You need to take lot of water. Keep drinking lot of water and वही तो I'm proud of Sangu, मैनेज कर लिया, कोई तो इशू नहीं है अभी तक, बिंदास, नो प्रॉब्लम, ऑसम। मेरा भी अभी ठीक है, अब देखते हैं कितना टाइम तक रह पाते हैं। अब यहाँ पर रहना इज़ कम्प्लीटली अप टू अस, कितना टाइम तक कितना टाइम तक हम लोग रह सकते यहाँ पर। हालांकि मोस्टली लोग आधा घंटा रहते हैं, आधा घंटे ज़्यादा रह नहीं पाते क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं है, तो कैसे रहोगे यहाँ पर। कि अगर आपको मतलब ब्रीदिंग का इशू है, ब्रीदिंग का इशू है, प्लीज टेक कैम्फर, थोड़ा सुनते रहिए, इट्स रियली हेल्पफुल। सच में मेरा नाक बंद, हम लोग लाचेन से जब चढ़े थे और जब इनिशियली जब कंटिन्यूस अल्टीट्यूड जो गेन हो रहा था ना, मेरे को इतना सिकनेस हो रहा था, उल्टी उल्टी फील आ रहा था, कैम्फर कपूर ने जो है जान बचा लिया, सच बताओ तो बहुत हेल्प किया। कैंपर इज रियली गुड। ऑक्सीजन सिलेंडर हम लोग रख लिए साथ में, अभी लगता नहीं शायद चाहिए होगा, अगर नीचे जाता हूँ चढ़ने में अगर चाहिए होगा तो लेंगे, बट सो फार सो गुड। और आज विंड भी बहुत कम है, यूजुअली अगर वो नहीं है विंड, एक्चुअली कंपेरेटिवली बात कर रहा हूँ, वो अटक रहा है, कम है, मगर यहाँ पे 11-12 बजे के बाद इतना हवा तेज होता है ना, उड़ा के लेके जाता है, तो इसलिए जो है यहाँ पे आने के लिए सुबह 4:30-4:30 बजे निकलना पड़ता है, निकल के जितना जल्दी हो सके रिटर्न करना पड़ता है। चलो नीचे। सो मैं तो नहीं जा पाया लेक तक, एज आई हैड टू स्टे बैक विद संगू, बट माई फ्रेंड वेंट देयर
and recorded the video. We'll see frozen lake. And that's the tour spot where people are taking pictures from there. Few of them are not coming down. And this is half frozen. That side is unfrozen. Let's see the lake. And as you can see, it's completely frozen. It's very slippery also, so I'm not taking the risk to walk on it. See, it's damn slippery. See, that guy is trying to walk on it, and hopefully we'll see something. Fislega, fislega. Nahi, patthar, patthar mein jaya jayega. We'll try to walk on snow with the taking stone as a reference. And as you can hear, there's a sound coming. मैं तो पहुंच गया लेक के अंदर. And we are inside the lake. Half inside the lake. Tourists are still trying to get inside. I cannot walk over here this, since there is no stone that I can use as a grip, because it will be damn slippery and I believe it might break also, so better to stay here. Wow, we'll miss this place. Look at this. फिलहाल मुझे तो अब मुझे अपना गाड़ी भी नहीं दिख रहा है, कहाँ गाड़ी है. सब एक ही जैसा, सारा गाड़ी एकदम हल्का हल्का चलना पड़ता ज़्यादा. कूदोगे दौड़ोगे तो बस वाट लग जाना है. अरे हम लोग का गाड़ी कहाँ है, मिल ही नहीं रहा है. अरे कहाँ गए सब. शिट, द प्रॉब्लम इज नाउ द विंड इज अभी थोड़ा ज़्यादा तेज चल रहा है, जिससे क्या होता है ना, ठंड ज़्यादा और ज़्यादा लग रहा है. विंड कम होने से प्रॉब्लम नहीं, और ऐसे भी आज मौसम बहुत अच्छा है, धूप है पूरा. बट अगेन विंड होने से कुछ नहीं हो. नाक पूरा बंद हो गया मेरा. नाक बंद होने से क्या हो रहा हो जा रहा ना, फ्रीज हो जा रहा है, फ्रीज हो जा रहा है. तो क्या होगा, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगा. कांट टेक इट एनीमोर. लाइक कर देना वीडियो को.